नमस्कार, स्वागत आपका केयर एना पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरीवाला में, जहाँ पे आपको बता दें कि गोरीवाला में जो है वो विजय संकल्प रैली जो है वो आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पे तस्वीरों में देखिएगा कि किस प्रकार से नायब सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं और तमाम आए हुए लोगों का अभिवादन जो है वो लगातार उनके द्वारा जो है वो स्वीकार किया जा रहा है। और इस मौके पे अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पे लगातार पहुँचे हुए हैं। अगर नेताओं की बात करें तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, रामचंद्र कंबोज है रानिया से, और कालांवाली से अगर बात करें तो सरदार बलकौर सिंह है, नीता दुग्गल हैं वर्तमान में सांसद हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, डॉक्टर अशोक तंवर हैं। डॉक्टर अशोक तंवर को मजबूती देने के लिए जो इस रैली का आयोजन जो है वो लगातार यहां पे किया गया है। और आदित्य देवीलाल है, देव कुमार शर्मा है, सुरेंद्र पूनिया है, अमीर चंद मेहता हैं, और यानी कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो जो है वो यहाँ पे लगातार पहुँचे हुए हैं और डॉक्टर अशोक तंवर को मजबूती देने का काम जो है वो लगातार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा तस्वीरों में कि सुनीता दुग्गल को वो सम्मानित जो है वो कालुआना गांव की सरपंच जो है वो गीता सहारन जो है वो लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर अशोक तंवर को जो है वो सम्मानित यहां पे किया जा रहा है, मुख्यमंत्री नायब सैनी को जो है वो पगड़ी पहना करके सम्मानित जो है वो यहां पे किया जा रहा है। अब यहां पे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूं तो आप तस्वीरें देखिएगा कि किस प्रकार से लोगों का हुजूम जो है वो काफी अच्छी संख्या में यहाँ पे जो है वो लोग उमड़े हुए हैं। तो इसको देख करके जो है वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हौसला जो है वो अपने एक अलग ही चरम पे पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। इस हुजूम की अगर बात करें तो इसमें जो है वो आदित्य देवीलाल को सबसे बड़ा क्रेडिट जो है जाता है, क्योंकि इस रैली के संयोजक जो है वो आदित्य देवीलाल हैं और उनकी मेहनत के बदौलत जो है वो आज ये जन समूह जो है वो यहाँ पे लगातार जो है वो गोरीवाला गांव के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं बल्कि इस जनसभा के इस पंडाल के दूसरी ओर अगर बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहे तो वहां पे भी जो है वो लोगों का आना जो है वो लगातार बना हुआ है, यानी कि काफी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहां पे लगातार पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस आदित्य देवीलाल को और ज्यादा मजबूती देने का काम जो है वो लगातार लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यूं कहें कि आदित्य देवीलाल को, क्योंकि डबवाली विधानसभा क्षेत्र का ये गाँव है और आदित्य देवीलाल जो वो डबवाली विधानसभा से पीछे चुनाव लड़े थे लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए, और इस बार जो है वो एक भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं, आदित्य देवीलाल का शक्ति प्रदर्शन भी जो है वो इसको कहा जा सकता है कि आदित्य देवीलाल ने जो है वो कड़ी मेहनत करके जो है वो अपने एक शक्ति प्रदर्शन और बखूबी तरीके से जो वो निभाते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसे में जहाँ पे अशोक तंवर को इस रैली से, इस लोगों के इस हुजूम से मजबूती मिलती हुई दिखाई दे रही है, वही आदित्य देवीलाल को भी जो वो आने वाले समय में जो वो एक बहुत बड़ी मजबूती ये रैली जो वो देने का काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में अगर कुल मिलाकर के कहें तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सभा गोरीवाला के अंदर जो है वो आयोजित की गई है ये कुल मिलाकर के सफलता की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दोराय जो है वो नहीं हमें लग रही है। और ऐसे में आप देखिएगा फिर से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे सिरसा के सिरसा लोकसभा से जो है वो तमाम लोग जो है वो यहाँ पे, या यूं कहें कि ज्यादातर लोग जो है वो डबवाली विधानसभा से यहाँ पे आए हुए हैं, तो कुछ गलत ना होगा, और काफी अच्छी संख्या में लोगों का जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है।